नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। नेपाल के शक्ति समूह संस्था के उद्योग से सिलचर के निषिद्धपल्ली क्षेत्र से 4 नाबालिका सहित 7 युवती को पुलिस प्रशासन ने किया गिरफ्तार। जल्द से जल्द परिवार सदस्यों के हवाले करने का चल रही है प्रयास। मधुरा पत्थर खान में नए तौर पर गठित हुआ ट्रक मालिक संस्था कमेटी, चालकों द्वारा गैर जिम्मेदार तौर पर पुलिस प्रशासन की ओर से मामला दागे जाने पर मधुरा पत्थर खान बंद करने का दिया गया चेतावनी। सीपीआईएम, सीपीआईएमएल व कई वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा एनआरसी मुद्दे पर सही वास्तवायन के मांग पर कछार जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने किया गया विक्षोभ प्रदर्शन। जिला उपायुक्त के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजा गया स्मारक। कछार के जिला उपायुक्त लया माधुरी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा SLRM मुद्दे पर आयोजित किया पत्रकार सम्मेलन। कई तथ्यों के बारे में दिया गया विस्तारित जानकारी। परियोजनाओं के वास्तवायन में सहयोगिता का किया गया अपील। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की 125वीं जन्मतिथि के अवसर पर होजाई जिले में आयोजित हुआ भारत भक्त सम्मेलन। विभिन्न क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने दिया योगदान। निकाला गया भव्य युवा यात्रा। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के दूधपुर गणेशग्राम गांव पंचायत सभा नेता सारा बेगम को अपहरण कर हत्या करने का किया गया प्रयास। पति ने थाने में दर्ज किया FIR।